हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं जिम से। आज मेरी नाइट ड्यूटी थी हॉस्पिटल में, तो 8 से 8 इवनिंग 8 से मॉर्निंग 8 तक ड्यूटी रहती है हॉस्पिटल में नाइट की। तो मॉर्निंग में आने के बाद सीधा मैं जिम आ गया, और एज यू कैन सी हॉस्पिटल का ही स्क्रब पहन रखा है अभी, तो क्योंकि टाइम नहीं है। सो राइट नाउ आई एम डूइंग जिम। और डॉक्टर की जो नाइट ड्यूटी होती है वो बहुत एक्टिव होती है, इमरजेंसी केसेस आते हैं, वो सब डील करना पड़ता है। तो रात को पूरी तरीके से नींद अच्छी नहीं हो पाती है, अप्रॉक्स 4 घंटे, मुश्किल से 3 घंटे, कभी सोने को मिल जाए 5 घंटे लास्ट। तो ऐसा रहता है, स्ट्रगल है लाइफ में। डॉक्टर बोलते हैं ना, डॉक्टर बनने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। डॉक्टर बनने के बाद भी बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेहनत करनी पड़ती है। तो जिम आ गए हैं, अब जिम में पसीना आ रहा है, एज यू कैन सी पसीना आ रहा है। ये क्या है, एक लाइफ लाइन है जिम मेरे लिए। जिम एक मेडिसिन है जिंदा रहने के लिए। इससे क्या होता है, बॉडी में जितना भी जहर टॉक्सिक चीज़ें बनती हैं वो सब पसीने के थ्रू निकल जाती हैं, बॉडी एकदम क्लीन हो जाता है, फ्रेश फील होता है। आप अपना काम पे फोकस कर पाते हो, पढ़ाई पे, और अपना जो भी काम है उसको अपना 100% दे पाते हो। सो ट्राई टू डू सम फिटनेस थिंग्स। और अभी जिम करने के बाद जाएंगे घर, घर जाने के बाद खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खाने के बाद फिर थोड़ा पढ़ाई करेंगे, थोड़ा नहीं करेंगे, लाइब्रेरी जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे रात के 7:30 बजे तक। फिर ड्यूटी जाऊंगा 8 बजे, आज फिर से नाइट है मेरी। तो ये क्रम चलता रहता है लाइफ का, क्योंकि लाइफ में पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़ मैं कहता हूँ मेंटेन करके चलो, जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में हो, जिस भी स्टेज पे हो आप जिंदगी के पे। ओके देन, पूरा ब्लॉग देखो गाइस। अभी खा रहे खाना मेस में, एज यू कैन सी नाइट का ड्यूटी है, तो रात को खाना भी इधर ही आके खाना पड़ता है। सो दिस इज कैंटीन टाइप ऑफ मेस, और डॉक्टर्स और डॉक्टर्स कैन ईट हियर, एंड दिस इज फूड। टेकिंग सनलाइट, 2-3 दिन के बाद टाइम मिला है। आज बिजी हैं, बिजी, जब भी टाइम मिले मॉर्निंग में सनलाइट लिया करो, इट्स गुड फॉर हेल्थ। ऑलराइट, आज लेग का डे था, लेग हो गया है पूरा कंप्लीट। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू होम, टेक शावर, नहाएंगे ठंडे पानी से, एंड देन वी विल गो टू हॉस्पिटल। आज नाइट ड्यूटी है, आपको बताएंगे हॉस्पिटल के बारे में कैसा चलता है नाइट ड्यूटी, एंड मैच आ रहा है, मैच का भी मजा लेंगे। ब्लॉग पूरा देखना, एंजॉय इट, एंड द सेक्सी बॉय इज हियर, आवर मॉडल। ओके गाइस, कीप वॉचिंग। नाइट का ड्यूटी चल रहा है, और ये हमारे
नर्सिंग इंचार्ज सीबीजी हेड इन चार्ज ऑफ नर्सिंग स्टाफ इन सीटीवीएस सीबीजी दिस इज रामजीलाल एक्टिव नर्सिंग स्टाफ नेम नर्स आपका नाम क्या है सिस्टर सोना आपका नाम क्या है विकास चंद ये हमारे यहाँ हाउसकीपिंग वाले हैं नाइट के लिए और आपको दिखाते हैं हम हमारे सिटी वेस और सर्जिकल वार्ड फाइल का वर्क बहुत ज़्यादा है क्या चल रहा है भाई As you can see, then in the night shift there is no more crowd, no more people. So every patient attendant all are sleeping. So right now, this is all block about our hospital Narayana CTVS ward, and I'll show you some patient also. As you can see, अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और एक्चुअली मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है 8 बजे से तो कंप्लीट 8 बजे मैं आ जाता हूँ और आधा घंटे ओवर लेता हूँ सारे पेशेंटों का क्या चल रहा है दिन में क्या हुआ है किसका ओटी हुआ है किसकी ओटी प्लानिंग है किसका आईवीएफ कितने एमएल से चल रहा है किसको क्या मेडिसिन देनी है और ओवर लेने के बाद देन 8:30 बाद मेरा काम स्टार्ट 8 से हो जाता है लेकिन 8:30 से मेन रोल स्टार्ट होता है क्योंकि जो रेजिडेंट होते हैं सर्जरी के वो चले जाते हैं तो पूरा जो सर्जरी का बाड़ो है मैं कंट्रोल करता हूँ पूरा नर्सिंग स्टाफ दे फॉलो माई ऑर्डर सो पूरा बाढ़ का कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाता है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप बहुत सारे पेशेंटों को लीड कर रहे हैं आपका डिसीजन रात में चलेगा क्या करना है किसको कौन सा मेडिसिन देना है किसी का गैस हुआ किसी का वोमिटिंग हुआ कुछ हुआ तो आपका डिसीजन क्योंकि जितने भी कंसल्टेंट वगैरह होते हैं वो सब सो जाते हैं रात को तो यू कैन नॉट कॉल तो डॉक्टर बनने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है सिंसियर मतलब दिमाग का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है कहते हैं ना कि हॉस्पिटल में काम करते हो पैसा है लेकिन प्रेशर ज़्यादा है एक डॉक्टर को 70 मिलता है 80,000 रुपये मिलता है 1,00,000 रुपये तक मिलता है ये पैसा उसकी पढ़ाई का मिलता है उसके प्रेशर का मिलता है वो मेंटेन कैसे करता है प्रेशर को उसका मिलता है सो और ये मैं जो घूम रहा हूँ ये हमारा सर्जरी वार्ड है सुपर स्पेशलिटी वार्ड और प्राइवेट वार्ड है तो उसकी कनेक्ट करता है क्या बोलते हैं इसको ये बोल सकते हैं निकास बोल सकते हैं गली बोल सकते हैं तो और बताऊँगा रात में कल इमरजेंसी आई थी तो क्या होता है यार जब बहुत सारा काम होता है ना तो आदमी का ना मन ही नहीं करता ये वीडियो बनाने का या शूट करने का या मोबाइल खोलने का क्योंकि कल जैसी इमरजेंसी आती है मैं साथ चाहता हूँ कि अगर वीडियो शूट करूँ तो मैं दिखाऊँ बट हो नहीं पाता भाई बहुत मुश्किल है बट आई विल ट्राई टू शूट यू मोर ओके कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग अभी रात के बज रहे हैं 12 मेरा काम कंप्लीट हो गया है फाइल वर्क किसका मेडिसिन चलाना है किसका क्या करना है किस पेशेंट को क्या करना है ओटी के लिए पीएससी क्लियरेंस पार्ट के लिए सब रेडी हो गया है अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए और 12 बजे देखो सोने के लिए जा रहा हूँ अभी कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए क्योंकि मेरे पास है ना एक मोबाइल और रहता है जो हॉस्पिटल ने दिया है तो उस पर ना ये वाला COG बहुत छोटा मोबाइल है लेकिन इसमें पूरे हॉस्पिटल के नंबर है किसी भी वार्ड से सर्जरी का कोई पेशेंट ख़राब होता है रात को कॉल आ जाता है इमरजेंसी कल आई थी एक लेडीज़ उसके क्या पेट में 8:30 बजे उसकी गाय ने सींग मार दिया चाकू से आई थी कल एक पेशेंट पेट में सींग मार दिया गाय ने तो उसका पेट फट गया तो ओपन माउंड इंजरी थी खून निकल रहा था और उसका खुला हुआ वाउंड था तो बीपी लो था क्योंकि फ्लोर बहुत ज़्यादा निकल गया था तो ऐसे केस आते हैं और ये जो छोटा मोबाइल है इससे कभी भी बच जाता है तो ऐसा फिक्स नहीं है सोने का देन आई डिसाइड टू स्लीप लाइक 2 आवर एंड देन गो टू फोर लाइक वाट एंड राउंड अगेन 2 आवर्स लाइक दिस नॉट 6 आवर नहीं सो सकते नाइट ड्यूटी में 6 आवर नहीं सो सकते बहुत मुश्किल है ओके गाइस कीप वॉचिंग डॉक्टर
तो यहीं से देख के पता करते हैं वो लोग। दिस इज प्राइवेट वार्ड। प्राइवेट वार्ड की एक नया नया लग रहा है ना, चमक रहा है। इसकी एक खासियत है, अभी भी बना है इसलिए चमक रहा है। 5 साल बाद 10 साल बाद ये भी थोड़ा धुंधला धुंधला सा हो जाएगा इसकी, है ना। इसकी लाइट है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको नया लगता है, होटल लगता है मुझे। रूम अवेलेबल है डॉक्टर्स के लिए, और ये डॉक्टर रूम है। इसमें एक्चुअली टीवी लगी हुई है डॉक्टरों के लिए, और एसी है, बेड है, मतलब बेंच भी पड़ी है, और सोफा है, आराम से एसी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन वॉच मैच देख सकते हो, टीवी देख सकते हो, मूवी देख सकते हो, अगर रात में आपको नींद नहीं आ रही है तो। और इसके अटैच में ही टॉयलेट है, अपने अटैच टॉयलेट है, शावर ले सकते हो, नहा सकते हो आप, मजे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बड़े हॉस्पिटल में काम करते हो, 5-star फैसिलिटी मिलती है आपको। सो ऐसे ही होटल में होता है, आप अगर 4-star होटल में जाएंगे, 5-star होटल में जाएंगे, तो ऐसे ही लेटवाथ अटैच रूम मिलता है आपको, सेम फैसिलिटी होती हैं, सारी चीज़ें सेम होती हैं, काउच मिलता है तुम्हें, यू हैव एसी इन योर रूम, यू हैव टेलीफोन इफ़ यू वांट टू ब्रिंग सम, कैंटीन से कुछ मंगाना चाहते हो, कुछ ऑर्डर करना चाहते हो, कहीं और जैसे आप नर्सिंग स्टाफ को कोई ऑर्डर देना चाहते हो तो आपको टेलीफोन मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, घड़ी वगैरह, ये सब 5-star फैसिलिटी है। और ये सारी सब जब मिलता है, जब आदमी एक्चुअली यार एक दिल की बात बताऊँ, बहुत कुछ मिलता है यार ज़िंदगी में, बस आप एक बार एग्ज़ाम निकालोगे बढ़िया। कोई बढ़िया पढ़ाई पढ़ो, कोई बढ़िया एग्ज़ाम निकालो, और डॉक्टर है या कोई बड़ा एग्ज़ाम निकालो, सब कुछ मिलता है भाई, सब कुछ मिलता है आपको, पढ़ा हुआ मिलेगा, 5-star फैसिलिटी मिलेंगी आपको, रहने के लिए, खाने के लिए, आपकी इज्जत, आपको सब सर बोलेंगे, पूरा हॉस्पिटल सर बोलेगा आपको, मतलब बहुत कुछ मिलेगा भाई। बस करना क्या है आपको, करना ये है पढ़ाई करनी है बहुत अच्छी, और पढ़ाई के बाद यू कैन अचीव एनीथिंग, कुछ भी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो यार। चीज़ें बहुत छोटी लगने लगती हैं जब आप एक बहुत बड़े अच्छी मुकाम पर पहुंच जाते हो ना, ये आईफोन ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती लगने लगती हैं आपको। आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हो, रेस्पेक्ट कमाते हो, आपका लाइफ बहुत मोटिवेट लाइफ हो जाता है, एंड यू इन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो ये सो गाइस, कीप वॉचिंग माई ब्लॉग, कीप लर्न फ्रॉम मी समथिंग। लाइक देखो, मैं किसान घर के फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे घर में एसी नहीं है, और मेरे घर में ये सुविधाएं नहीं हैं, ये सब सुविधाएं मुझे हॉस्पिटलों में मिलती हैं, दूसरी जगहों पर मिलती हैं, मेरे घर में नहीं है, मेरा घर गांव में है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं एक ऐसी फैमिली से उठा हुआ आदमी हूँ, किसान परिवार से, ठीक है। मेरे गाँव में कभी लाइट आती है, कभी नहीं आती है, तो वो अलग मैटर है, पर तो बता रहा हूँ कि भाई आप कहीं भी आपका जन्म हुआ है ये मैटर नहीं करता, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी अचीव कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी लेवल पे जा सकते हो भाई। सो वर्क हार्ड, कीप योर एम बिग, कीप मोटिवेशन योर सेल्फ, और हार्ड वर्क करो, और यू विल गेट एनीथिंग ब्रो, यू विल गेट एनीथिंग एंड यू विल बिकम एनीथिंग इन योर लाइफ। सो और बाहर का दिखा देता हूँ आपको, बाहर का नज़ारा। अभी तो यार आपको कैसे दिखेगा, हाँ अभी दिख जाएगा। ये जो सामने है ना, ये RUGHS राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी है, शायद इसमें नर्सिंग होती है, MBBS भी होती है, SS मेडिकल कॉलेज का ही पार्ट है। सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग है, शायद आपको दिन में दिखाऊंगा। तो बहुत फेमस जगह है, कभी आओ तो आपको, अगर नारायण आना है आपको तो कुंभा मार्ग टॉप रोड पे, तो नारायण आपको मिल जाएगा। ओके गाइज, कीप एम बिग, डू समथिंग इंटरेस्टिंग इन योर लाइफ, मेक ए एम। ओके, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन,
एंड आई विल मेक एज पॉसिबल एज मोर ब्लॉग फॉर यू गाइज. सो कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेट मी ऑल्सो, बिकॉज अगर आप मेरे वीडियो देखते हो, शेयर करते हो, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है, मैं वीडियो बना सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा. और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ यार, बहुत से जो बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ें बहुत छोटी हैं. लेकिन जो मेरी जैसी फैमिलियों से आते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, गाँव से हैं, और उनके लिए चीज़ें बहुत बड़ी हैं भाई, उनके लिए ड्रीम है एक्चुअली. तो अगर मैं उस ड्रीम को जी रहा हूँ, मैं उन चीज़ों की सुविधाओं को ले रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो आई हैव टू शेयर सम एक्सपीरियंस विद यू. क्योंकि जब मैं कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद आपको ये चीज़ें चाहिए, आप इन चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, तो और मेहनत कर रहे हैं. सो गाइज, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग. और एक दूसरी बात बताऊँ, अगर बेड पर नींद नहीं आ रही है, तो आप काउच पर भी सो सकते हैं, क्योंकि काउच बहुत कंफर्टेबल है, और जूते उतार कर सोऊंगा, देखते हैं काउच पे सो जाऊंगा, क्योंकि काउच पे स्पंज अच्छा है. ओके गाइस, गुड नाइट. ऑल राइट, गुड मॉर्निंग गाइस. और सुबह के 7 बज गए हैं, उठ गए हम और सो गए थे 12 बजे. 7 घंटे सोया हूँ आराम से, कोई इमरजेंसी नहीं है, रात को कोई कॉल नहीं आया, बढ़िया से सोया हूँ और काउच पे सोया हूँ आराम से. काउच पे बढ़िया नींद आई, एकदम कंफर्टेबल वाली. एसी चला दिया था मैंने 18 पे, फिर सर्दी लग रही थी, फिर 24 पे चलाया है, जब जाके सो पाया हूँ. 18 बहुत ज़्यादा ठंड लगती है यार. बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको, बाहर का व्यू कैसा है. देखो ये बाहर का व्यू है, ये आप देख रहे हैं ना, ये RUGHS शायद आपको दिख रहा होगा, एक बार बड़ा करता हूँ, शायद आप देख पाए होंगे. स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, SS मेडिकल कॉलेज जयपुर, SS मेडिकल कॉलेज की ब्रांच है ये, इधर जो हॉस्पिटल है ना, RUGHS, शायद ये मेडिकल कॉलेज भी है. तो इसके जस्ट सामने रहना. तो अभी रेडी होके जाते हैं बाद में, मॉर्निंग का राउंड लेता हूँ. राउंड लेने के बाद थोड़ा नोट्स वोट्स डालूंगा, क्या किस पेशेंट का क्या कोई प्रॉब्लम है वो देखने के बाद 8 बजे, 8:30 बजे मैं घर के लिए निकल जाऊँगा. तो ये रहा हमारा ऑल आउट नाइट शिफ्ट का ब्लॉग. आई होप यू गाइज लाइक इट, सब्सक्राइब इट. अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, डॉक्टर आएंगे, जो मॉर्निंग में ड्यूटी रहती है उनको ओवर देना है. बहुत सारी फाइल रखी हैं, एज यू कैन सी ये सब फाइल रखी हैं, इन सब का ओवर देना है, और ऊपर रखी हैं 4 फाइल, बताना है पेशेंट की क्या कंडीशन रही है, रात भर क्या चलाया है, इस दिन में आप क्या कर सकते हो, ये ओवर होता है. हर एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर को ओवर देना पड़ता है जब ही वो घर जाता है. सो 8 बज गए हैं, नाउ आई एम वेटिंग फॉर अनदर डॉक्टर, सर्जरी के रिजल्ट आएंगे, उनको दूंगा ओवर. और एकदम चिल माहौल में बैठे हैं, और एज यू कैन सी द मॉर्निंग राउंड, आई विल शो यू मॉर्निंग राउंड, दिखाता हूँ आपको. ये मरीज हैं, उनका ब्रेकफास्ट चल रहा है सुबह का, एंड देन सुबह का राउंड चलेगा अभी, उससे पहले इनका चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट चल रहा है.